वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग भाई। आज सुबह के बज रहे हैं 7 और आज हम सुबह सुबह ही निकल चुके हैं अपने गांव के लिए। हमें पड़ गया है कोई काम, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है थोड़ा जल्दी। गांव में नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा काम है थोड़ा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्योंकि उस दिन भी गया था, मेरा काम नहीं पूरा हुआ था, वेरिफिकेशन वगैरह प्रॉपर हो नहीं पाया वो काम मेरा, और आज हम सुबह सुबह ही निकल गए हैं भाई। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, अभी तक तो आज मैं जैकेट डाली हुई है, मैं ऐसे स्वेटशर्ट डाली हुई है क्योंकि दोपहर को गर्मी हो सकती है। मैं भी मेरा सोचना ये है कि गर्मी हो सकती है कभी भी। गाड़ी की भाई हालत देखो क्या हो रखी है, इतना गंद पड़ा हुआ गाड़ी में, आज सुबह सुबह ही निकलना पड़ रहा है। तो गाइस मिलते हैं अभी आगे जाके सीधे, बाकी भाई पूरा स्वैग के साथ जाएंगे। अभी हम आगे ट्रैक्टर वाले अंकल जा रहे हैं और साइड, अभी मैं जोड़ियाँ पहुँचने वाला हूँ। ये एक गाँव है, इस ये गाँव का नाम है जोड़ियाँ, जो कि बॉर्डर के बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है। मेरा गांव तो उससे भी नज़दीक है बॉर्डर के, ठीक है। आज हम आपको बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लेके जाएंगे। मेरा गांव बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में पड़ता है और आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ। आज सुबह सुबह हमारा निकलने का प्लान बन गया, तो भाई हम जोड़ियाँ पहुँच गए हैं, जो कि अखनूर से है, कम से कम भी कोई 15 किलोमीटर हो गया अप्रॉक्सीमेटली। वो हमने कवर कर लिया एरिया, 8:06 हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो भाई सीधे अभी आपको एक दो गाँव और दिखाएँगे, आपको भी मैं व्यू दिखाता हूँ जोड़ियाँ गांव का। जोड़ियाँ गांव जो कि कई बार न्यूज़ में भी आता है कि बल्लनवाला सेक्टर में गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से, तो भाई यही गांव है जो सबसे ज़्यादा मैसिव हिट करते हैं। जो भी कोई गोलाबारी होती है या कुछ भी होता है, मेरा गांव तो बिल्कुल नज़दीक है, मैं वहाँ पर भी आपको ले कर चलूँगा पूरा। ये देखो गाइस, ये देखो बंदे रोड पे खड़े हो जाते हैं भाई, इनको पता नहीं चलता है कि आगे से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जोड़ियाँ गांव की सिटी है, छोटी सी गांव की सिटी तो आपको पता ही है कैसी होती है, छोटी सी सिटी है। अभी मार्केट बंद है, टोटली मार्केट बंद है, ठीक है। आ चुके हैं खोड़ गाँव में जोड़े से, जो कि कम से कम भी 7 से 8-9 किलोमीटर दूर है जोड़ियाँ से, और हमें अभी भी इससे आगे जाना है, हमें कम से कम भी 10 किलोमीटर आगे जाना है, ठीक है। तो ये भाई खोड़ गांव है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स जिनको नहीं पता कि पल्लनवाला सेक्टर कौन सा है, यही पल्लनवाला सेक्टर है, इसको डोगरी में हम बोलते हैं प्लां वाला, ठीक है। तो भाई ये देखो यहाँ का ये सीन है सुबह सुबह का, गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई साफ़ सफाई देख लो भाई, गाँव में ही देख लो क्या सीन है साफ़ सफाई का, कितनी अच्छा लग रहा है। व्यू भी ज़बरदस्त था, बस वाले ने डिपर दे दिया मेरे को, कहता भाई रुक जा, मैं रिवील कर देता हूँ आपके सामने सैंत, जो कि मेरा गांव का नाम है। ये देखो भाई स्टेट बैंक, JK बैंक सब मिलेगा आपको इधर, जिसके पास पैसा है भाई निकाल सकता है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में जो गाँव है कि वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, भाई बहुत अच्छी फैसिलिटी है, हर एक चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पर भी। तो ये देखो भाई बैंक भी है, शॉप्स भी हैं, ये जहाँ का बस स्टैंड है यहाँ का, ये देखो। सो गाइस मिलते हैं आगे जाके आपसे भी, आप इंजॉय करो हमारी जर्नी और हमारी राइड को आज सुबह सुबह। भाई धीरे धीरे चलता आपका भाई, एकदम स्लो एंड स्टडी बिन द रेस, वैसा काम करेगा भाई आपका। हम जा रहे हैं अपने गांव वाली साइड, देखो भाई गांव का व्यू है ये, ये देखो भाई कितने खेत हैं इधर हरे भरे। तो गाइस ऐसा हुआ है कि इधर नेटवर्क बिल्कुल गायब हो चुका है, क्योंकि बॉर्डर एरिया बिल्कुल यहाँ पे टोटली जीरो नेटवर्क है यहाँ पे, अभी बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं आगे जाके नेटवर्क आएगा तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। भाई गांव के लड़के देखो कैसे मेहनत करते हैं, सुबह उठ के रनिंग करते हैं, फिर ये इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो गाइस ये देखो क्या सीन चल रहा है इधर का, नेटवर्क बिल्कुल टोटली, वो देख लो मेरे गाँव का नाम है 5.5 किलोमीटर, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो 5.5 किलोमीटर अभी भी अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लिया हमने वैसे भी अखनूर से आते हुए हमें कम से कम मिनिमम हम निकले थे 7:53 पे, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा हो गया हमें निकले हुए। सीधे भी मिलते भाई, सीधे धूप पड़ रही है गाड़ी में, तब भी कुछ अंधेरा सा दिखाई दे रहा होगा। गाइस अभी हम कर चुके हैं अपने गाँव में एंटर, ये देखो भाई मेरे गाँव का व्यू है, ये देख लो आप, देख सकते हो भाई हर जगह खेती खेती होती, चावल बहुत लगता है भाई इधर, ठीक है। ये मेरा चाचा जा रहा है, ये देखो भाई ये हमारे चाचा जी हमारा, ये देखो सुबह सुबह खेती का काम कर रहे हैं। और चाचा क्या हाल है,
और पैर पे ठीक था। मेहनत करते हैं, सुबह उठ के जाना पड़ता है इनको काम है बॉर्डर पे। ये देखो हमारे चाचे की लड़की शर्मा रही है, ये देखो गांव में बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है, एयर टू एयर होगा कोई 500 मीटर का फर्क। ये हमारी चाची बर्तन साफ कर रही है इधर, ये हमारा शिला। देखो लोग ट्रैक्टर वगैरह हल जोतते हैं, देखो सुबह सुबह ही बंदे ने रोड में लगा दिया भाई, रास्ता बंद हो गया पूरा ही। अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर के बाद भाई, आपका निकल चुका हूँ, मेरा जो काम था यहाँ पे वो भी पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आज हमने बहुत जल्दी की सुबह सुबह ही, लेकिन भाई मज़ा आ गया गांव में, और एकदम ज़बरदस्त व्यू है गांव में सुबह सुबह ही, नज़ारा आ जाता है भाई, गांव में फील ही कुछ अलग आता है। ये भाई ने एक ना ये ट्रैक्टर बीच में रोक दिया, ना ये आगे कर रहा है ना पीछे, अभी कुछ लगा हुआ है इसके ट्रैक्टर को, पता नहीं क्या हो गया। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे। ठीक है, तो गांव शाम सब चक्कर लगा लिया, ये देख भाई बैठा हुआ है, फोन रोड रहा सिर्फ और कुछ नहीं काम है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और बेल आइकन तभी दबाना है क्योंकि आपको हर रोज़ नया नया ब्लॉग मिलेगा हमारा। ठीक है, बाकी कटिंग वटिंग बाल बड़े बड़े हो गए कटवा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।